हेलो क्लास ए ग्रुप, आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ दिस एंड डैट। दिस टी एच आई एस दिस, दिस में से होता है यह, दिस में से होता है यह, एंड टी एच ए टी डैट, डैट मीन्स वह। पहले हम दिस को समझेंगे। टी एच आई एस दिस, दिस इज़ यूज टू टेल अबाउट नियर इट ऑब्जेक्ट। दिस हम कब यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं? पास की चीज़ के लिए। किसके लिए? जो चीज़ हमारे पास होती है उसके लिए यूज़ करते हैं। यहाँ दिया गया है दिस इज़ ए बस, बी यू एस बस, दिस इज़ ए बस। तो ये बस बनी हुई है, तो ये कहाँ है? पास है, यानी कि यहाँ एक बस है। इसका मतलब ये हुआ दिस मिस होता है यहाँ, इज मिस है, ए मिस एक, और बी यू एस बस, यहाँ एक बस है, पास में है। दिस इज ए बैट, दिस इज ए बैट। तो ये बैट बना हुआ है, उसका मतलब हुआ यहाँ दिस मिस होता है यहाँ एक बैट है, यहाँ एक बैट है, यानी ये पास की चीज़ें हैं सब। दिस इज ए स्पैरो, दिस इज ए हर्ट, दिस इज ए स्पैरो, गोरे ये चिड़िया। तो ये कहाँ है? पास है। दिस इज़ ए हट, तो हट झोंपड़ी जो है वो कहाँ है? पास है। तो ये जो दिस लगता है वो किसके लिए लगता है? पास की चीज़ों के लिए लगाया जाता है, नियर ऑब्जेक्ट के लिए लगाया जाता है। जो हमारे पास होती है उसके लिए हम दिस का यूज़ करते हैं। अब समझेंगे डैट, टी एच ए टी डैट। डैट इज़ यूज टू टेल अबाउट फादर ऑब्जेक्ट। तो ये जो हमारा फादर ऑब्जेक्ट है ये किसके लिए? दूर के लिए। इसका मतलब है दूर। डैट इज़ ए काइट, डैट इज़ ए काइट, डैट का मतलब होता है वहाँ है एक पतंग, वहाँ एक पतंग है। कहाँ है? दूर है। वहाँ का मतलब होता है दूर, यहाँ का मतलब होता है पास। डैट इज़ ए काइट, वहाँ एक पतंग है। डैट इज़ ए ट्री, यानी कि पेड़ कहाँ है? दूर है, वहाँ एक पेड़ है। डैट इज बलून, डैट इज ए बलून्स। तो ये हमारा डैट इज ए बलून्स, तो ये हमारे वहाँ हैं बलून्स, गुब्बारे, वहाँ हैं गुब्बारे। डैट इज मैंगो, वहाँ मैंगो है, यानी वहाँ आम है। डैट का यूज़ करते हैं दूर के लिए और दिस का यूज़ करते हैं पास के लिए। यानी कोई चीज़ हमारे पास होती है उसके लिए हम क्या लगाएंगे? दिस, टी एच आई एस दिस, ये स्पेलिंग आप लर्न करना। और डैट के लिए हम क्या लगाते हैं? वह, टी एच ए टी डैट, डैट मीन्स वह, यानी दूर की चीज़ों के लिए। ये तो हो गया हमारा दिस एंड डैट। अब नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ व्हाट विथ दिस एंड डैट। यह हमारा व्हाट विथ दिस एंड डैट। तो यहाँ हमारा व्हाट, डब्ल्यू एच ए टी व्हाट, व्हाट मीन्स क्या होता है? क्या, डब्ल्यू एच ए टी, डब्ल्यू एच ए टी व्हाट, व्हाट मीन्स क्या। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस मीन्स होता है यहाँ। तो क्या पूछ रहे हैं वो? यह क्या है, यह क्या है? अब ये क्या बना हुआ है सामने? तो उसका आंसर है दिस इज़ ए वैन, यह एक वैन है, यानी यह एक वैन जो गाड़ी होती है वो है। व्हाट इज़ डैट, अब डैट आ गया। व्हाट इज़ डैट, डैट मीन्स वह, वह क्या है। डैट इज़ ए याच, वह एक याच, यानी बड़ी जो नाव होती है उसको बोलते हैं है। व्हाट इज़ दिस, यह क्या है, दिस मीन्स यह। दिस इज़ ए रैट, यह एक चूहा है। व्हाट इज़ डैट, वह क्या है। डैट इज़ एन आउल, वह एक उल्लू है। डैट यानी दूर के लिए क्या लगाया है? दूर, यानी आउल है ये दूर है और रैट है ये पास में है। याच ये दूर है और वैन है जो पास में है। दिस डैट व्हाट
वॉट मीन्स होता है क्या, WHAT वॉट। ओके चिल्ड्रंस, तो ये आपके टॉपिक हैं दिस डैट एंड वॉट। इसको स्पेलिंग को आपको लर्न करना है जिसकी TH आई है दिस, दिस मीन्स यह, THAT डैट, डैट मीन्स वहाँ, WHAT वॉट, वॉट मीन्स क्या।